नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करें? काफ़ी सारे लोगों का कमेंट में क्वेश्चन था कि आप इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं। आज इस पे वीडियो है कि फाइनेंशियल गोल अपने ज़िंदगी में कैसे सेट करें। मान लेते हैं एक ज़िंदगी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, फाइनेंशियल गोल है, वो है एजुकेशन के लिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए मान लेता हूँ 20 लाख का खर्चा आज का है। आज का फ्यूचर का कितना है वो आगे देखते हैं। मैरिज के लिए आज ही अगर शादी करना पड़े तो 30 लाख रुपया में धूमधाम से अच्छे से शादी हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। घर खरीदना है, आज का रिक्वायरमेंट है कि 50 लाख में बढ़िया घर आ जाएगा। 50 लाख का रिक्वायरमेंट है घर के लिए। और रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए आज का। 1 करोड़ बाद का कितना होगा ये देखेंगे। तो पहला गोल सेट करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। एजुकेशन के लिए 15 साल के बाद, अभी बच्चे छोटे हैं, 15 साल के बाद जो आज का 20 लाख किसी कॉलेज में एडमिशन कराए, जो भी खर्चा किए, आज का 20 लाख है। बाद में 15 साल के बाद कितना खर्चा होगा तो होगा 48 लाख, यदि इन्फ्लेशन 6% हो तो। कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेटर में जाते हैं। 20 लाख रुपया आज का है, ये गोल के कैलकुलेटर में गए, नया कैलकुलेटर ऐड हुआ है। 20 लाख का आज है खर्चा, 6% का इन्फ्लेशन है, और 15 साल के बाद हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो 47 से 48 लाख रुपया लगेगा। और इस 47 48 लाख को प्राप्त करना है तो मात्र 8,700 रुपये का SIP करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। मतलब 8,700 800 का SIP करेंगे 15 साल तक, यदि 13% का रिटर्न मिले तो ये पैसा अचीव हो जाएगा और जो एजुकेशन में खर्चा है वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ एक और जानना है कि 6% इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कि आज का जो 20 लाख खर्चा है, यदि इस 20 लाख को इन्फ्लेशन में ही इन्वेस्ट कर देते, अगर कोई ऐसा FD होता कि जितना इन्फ्लेशन उतना रिटर्न मिलेगा, तो 6% इन्फ्लेशन है, 6% में FD 20 लाख कर दिया तो ये 15 साल के बाद इसका वैल्यू 48 लाख होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर में जाएंगे, वन टाइम में, यहाँ पे जाते हैं वन टाइम में। 20 लाख रुपया रखा, 15 साल के बाद अगर 6% इन्फ्लेशन है तो 6% का FD कर दिए मान लेते हैं, तो 15 साल के बाद ये पैसा 47 48 लाख रुपया हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी 6% के रेट से ये 20 लाख रुपया 15 साल के बाद 48 लाख रुपया हो गया। खर्चा कितना है? 48 लाख। लेकिन हम ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं कि हमको 13% का रिटर्न मिलेगा, तो कितना पैसा से शुरू करना चाहिए? तो 8,700 8,800 से शुरू करेंगे तो ये गोल जो है एजुकेशन का हमारा, इसमें पूरा हो जाएगा 8,800। तो इसको लिख दिया समीकरण 1। अब दूसरे पे चलते हैं, मैरिज के लिए। मैरिज का मानता हूँ 18 साल के बाद खर्चा आना है, आज का 30 लाख है, जो भी है इससे ज़्यादा अगर है 60 लाख है तो डबल कर देंगे, 15 लाख है तो आधा कर देंगे। 30 लाख का कैलकुलेशन करते हैं मिडिल क्लास के दृष्टिकोण से। 6% का इन्फ्लेशन यहाँ भी लेंगे और 13% का रिटर्न यहाँ भी लेंगे, तो उस समय जो खर्चा आएगा वो आएगा 86 लाख रुपया। मतलब क्या है, आज होटल में गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए बुक किया, सब मिला के तामझाम करके 30 लाख रुपया खर्चा हुआ। अब यही होटल में ऐसा ही तामझाम करना है, इतना ही धूमधाम करना है 18 साल के बाद, तो वो होटल वाला बोलेगा कि हमको 85 लाख रुपया चाहिए, तब करेंगे 18 साल के बाद ऐसा बोलेंगे। जाहिर सा बात है, आज अगर 30 लाख में होगा तो 18 साल के बाद इतने में तो होगा नहीं, कितने में होगा? अगर 6% हुआ तो 86 लाख रुपया होगा। तो इस पैसे को अचीव करना है, और यदि ऐसा कोई जगह मिल जाए जो 13% का रिटर्न डिलीवर कर पाए इन्वेस्टमेंट में, तो 10,230 रुपया करेंगे तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में मैरिज के लिए 10,500 मैंने यहाँ पे माना है, कि 10,500 अगर करते हैं तो ये 86 लाख रुपया जो बाद में आएगा 18 साल बाद वो पूरा हो जाएगा। अब तीसरा रिक्वायरमेंट है होम के लिए। घर का मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि 20 साल जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, करते रहिए रेंट पे, घर तो अपना होगा ही होगा, और पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाइए। बहुत से लोग गलत ले लेते हैं कि घर खरीदने बोलते ही नहीं है, भाई ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ अपने पैसे से खरीदना है, लोन लेके नहीं खरीदना है। जब आप लोन लेते हैं तो बंध जाते हैं, और जो SIP में ब्याज पैसा आपको आएगा, एक्युमुलेशन होगा आपके पास, वो ना हो के EMI में आप पैसा देते हैं, बहुत उल्टा रिश्ता है। कोई 15 साल 20 साल चलाए हैं, पैसा एक्युमुलेट किए हैं, तो उन्हीं को पता है,
नहीं पता है तो जो लोग किए हैं उनसे पूछना है, ज्यादा नहीं होता है तो छोटे छोटे अमाउंट में ही करना है, 500, 1000, 2000, 5000, जितना भी हो उतना ही करना है। और तब तक जब तक आप जॉब कर रहे हैं आसपास रेंट पे ही रहना है, जब रिटायर हो जाएगा तब आपका प्रायोरिटी भी बदल जाएगा। हर 10 साल में प्रायोरिटी चेंज होता है, कहाँ क्या करना है। ऐसे नहीं कि एक जगह मोड़ा लेके बस जिंदगी भर वहीं बिता दिए, मन तो कुछ और करने का था। 10 साल 15 साल के बाद आपका प्रायोरिटी चेंज होगा, बच्चे कहाँ सेट करेंगे, आप कहाँ रिटायरमेंट लेंगे। लोग रह रहे हैं दिल्ली में, बम्बई में घर लेके बैठे हुए हैं, ताला लगा के बैठे हैं या भाड़ा लगा के बैठे हैं, पुणे में है, बेंगलोर में है, अलग अलग जगह 3 महीना में चक्कर लगाते हैं। तो वो जब चक्कर नहीं काटना है, शांत रहना है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अननेसेसरी घर नहीं खरीदना है, इन्वेस्ट कर देने के लिए नहीं खरीदना है। मैं जानता हूँ कि 90% लोग सोचते हैं मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, घर नहीं खरीद रहा है वो, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा बढ़ जाएगा, अरबपति बन जाएंगे, ऐसे सोच के करते हैं। घर खरीदने के लिए बहुत कम लोग लेते हैं। तो अब उस घर का बात करते हैं जो 20 साल के बाद लेंगे, अभी जैसे तैसे चला लेंगे। आज का 50 लाख का है, अभी तो पैसा भी इतना नहीं कि घर खरीद पाए, ज्यादातर लोग के साथ यही है, जॉब शुरू किया पैसा कहाँ है कि 50 लाख कि हम खरीद लें। तो इस 50 लाख का घर प्राप्त करना है 20 साल के बाद, तो वो 20 साल के बाद तो घर महंगा हो जाएगा, 6% के रेट से वो 1 करोड़ 60 लाख का हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 50 लाख का घर है अभी प्रेजेंट वैल्यू, 6% के रेट से 20 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू हो जाता है 1 करोड़ 60 लाख 35 हज़ार। और यदि अपने पैसे को, छोटे छोटे पैसे को, 14,600, 15,000 मान लेता हूँ, ये 15,000 रुपये पर मंथ अभी करें, 13% के रेट से इन्वेस्टमेंट हो, तो हमारा 1 करोड़ 60 लाख पूरा हो जाता है। अब अपना ही घर ले लें तो 50 लाख का EMI 30-35-40 हज़ार तक जाएगा, तो आगे का खर्चा अलग से। बहुत तामझाम है, बवंडर है, और उतना पैसा है नहीं। अगर है तो फिर समझ लीजिए पिंजड़े में बंद हो चुके हैं। तो 14-15 हज़ार से ये टारगेट अचीव हो सकता है। यहाँ पे हो गया ये समीकरण नंबर 3, मतलब आज जो 50 लाख का है वो 1 करोड़ 60 लाख का मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम 15 हज़ार के SIP से उसको अचीव कर लेंगे और अभी रेंट पे रहेंगे। अब चौथा लास्ट गोल क्या है, रिटायरमेंट के लिए हमको 1 करोड़ रुपये चाहिए आज, और हमारा एज अगर अभी 30-35 है, 25 साल के बाद 55-60 होगा तब हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और आज का 1 करोड़ चाहिए हमारे पास, लेकिन 6% का इन्फ्लेशन है, तो आज का 1 करोड़ प्रेजेंट वैल्यू उस समय हो जाएगा 4 करोड़ 29 लाख। ये प्राप्त करना है तो 20,500 का रिटायरमेंट फंड एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं रिटायरमेंट वाले में गए, आज का 1 करोड़ चाहिए, 6% का इन्फ्लेशन 25 साल के बाद, बहुत जल्दी तो रिटायरमेंट लेना नहीं। बहुत लोग बोलते हैं 5 साल में लेना है, 10 साल में लेना है, वो कभी नहीं ले पाएंगे, लंबा समय रहता है, काम तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे, कोई बैठता नहीं है। 25 साल के बाद उस 1 करोड़ का वैल्यू 4 करोड़ 29 लाख होता है, और यदि 20,300 अपने हर महीने पैसे को 13% पे इन्वेस्ट करते हैं ऐसे जगह, तो वो पैसा 25 साल के बाद 4 करोड़ 29 लाख पूरा हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं 1 करोड़ रखा 25 साल तक, ये 1 करोड़ प्रेजेंट वैल्यू है, 25 साल के बाद 4 करोड़ 29 लाख हो गया। अब इसके लिए SIP कितना करना है, 20,500 का। अब सबको जोड़ देते हैं, 20,500 रिटायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए 8,800, और मैरिज के लिए 10,500 लगभग था, और होम के लिए, घर के लिए 15,000 था। सबको जोड़ते हैं तो 54,800 में बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा होता है। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा बड़ा गोल है, आधा कर दीजिए, इसका आधा पे आ जाइए। आधा मतलब 10 लाख एजुकेशन के लिए, 15 लाख मैरिज के लिए, 25 लाख का होम, और 50 लाख खुद के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 करोड़ हो रहा है, उधर 2 करोड़ हो रहा था, तो 2 करोड़ का टारगेट अचीव करना है आज का प्रेजेंट वैल्यू। तो 54,800 आधा करेंगे तो 27,400 पर मंथ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आता है कि सारे फाइनेंशियल गोल के लिए कितने का SIP शुरू कर दें, तो आया था लगभग 27,000-28,000 का। तो आज का जो ये प्रेजेंट वैल्यू है 20 लाख, 30 लाख प्लस 50 लाख प्लस 1 करोड़, सब मिला के 2 करोड़, 54,800 का। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि आपने ये कैलकुलेशन करने का तरीका समझ गए, लेकिन आपको शुरुआत कम से करना है, इतना ज़्यादा पैसा से नहीं करना है। मान लेते हैं कि 30 हज़ार रुपये पर मंथ से करना है ये सारे गोल अचीव करने के लिए, और 15 साल का ही यहाँ पे मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ। पहला कैटेगरी है स्मॉल कैप, इतना ज़्यादा समय है तो डरने का कोई बात नहीं है, आपको मिड कैप स्मॉल कैप ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ देखते हैं
पहले नंबर पे आता है डीएसपी स्मॉल कैप, 19% का रिटर्न दिया है। हमने कैलकुलेट कितना किया था, 13, सेफ सेफर कैलकुलेट 13 किया था। तो 54 लाख रुपये जमा होगा 15 साल में, पिछला रिकॉर्ड है ये, 54 लाख जमा हुआ है 30,000 रुपये पर मंथ के रेट से, और पैसा बना है 2,79,00,000। कोटक स्मॉल कैप में 54 लाख का वैल्यू 2,43,00,000 हुआ है। एवरेज का अगर बात कर लें पिछले 15 साल में 16.78% का रिटर्न मिला है, यानी कि इजली वो 13% के रेट से टारगेट अचीव हो जाएगा, और जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बच सकता है। मिड कैप का बात करते हैं, यहाँ पे अब सेलेक्ट किया मिड कैप, तो आपको 5 मिड कैप और 5 स्मॉल कैप लेना है। यदि 30,000 कर रहे हैं तो 5-5 यानी 10 फंड हो गया, 3,000-3,000 रुपया सब में कर देंगे। मिड कैप का यहाँ पे बात करते हैं, पिछले 15 साल में 30,000-30,000 रुपये पर मंथ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी पहले नंबर पे फंड आता है। 35,000 करोड़ इस फंड में पैसा है, हम सब लोगों ने 35,000 करोड़ रखा है। अगर 1,00,000 रुपया और लगाएंगे तो 35,000 करोड़ में 1,00,000 और जुड़ जाएगा। इसका रिकॉर्ड है कि 30,000 पर मंथ का SIP 2008 से लेकर 2023 तक 54 लाख का वैल्यू 2,49,00,000, 18% का रिटर्न है। इसमें एक्सपेंस खर्चा फंड मैनेजमेंट चार्ज काट के ही दिखाया जा रहा है, अब इस पैसे से कुछ काटेगा नहीं, 18 दिख रहा है तो 18 मिलेगा, एक्चुअल में 20 मिलना चाहिए था, पर फंड मैनेजमेंट चार्ज हमको मिलना है, कॉल सेंटर चल रहा है, सब बॉम्बे में पहले से काट के रख लिया और आपको इतना दिया, ये शुद्ध आपके पास है। अब इसमें टैक्स 10% लगेगा तो वो सरकार का हिस्सा है, म्यूचुअल फंड आपको कुछ नहीं काटेगा। दूसरे नंबर पे आता है एडलवाइस मिड कैप, इसमें पैसा देखेंगे 24,000 करोड़, 54 लाख का 2,38,00,000 बनाया। कोटक इमर्जिंग ने 54 का 2,33,00,000 बनाया, 17% का रिटर्न। एवरेज अगर चेक करें पिछले 15 साल में, तो एवरेज का बात अगर देखते हैं यहाँ पे तो 16.37% का रिटर्न यहाँ पे भी आता है। अब अभी अभी क्या हो रहा है, मार्केट में उथल पुथल चल रहा है, 5-10% का गिरावट है, तो मार्केट में इस तरह से चलता आया है, चलता रहेगा। यदि आज आप नए इन्वेस्टर मार्केट में घुसे हैं, म्यूचुअल फंड में आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आज ही ये हलचल चल रहा है, आपके पैसे पे आज हलचल चल रहा है, पीछे 35-40 साल से चलता आ रहा है। तो कुछ इन्वेस्टर मुझे फ़ोन करते हैं इस तरह से कि 10,000 रुपया राजू भैया है बताइए कहाँ लगाते हैं। कोई अगला फ़ोन करते हैं 1,00,000 रुपया है, 2 फंड का नाम बताइए, 50-50,000 रुपया लगा देते हैं। तो इस टाइप के जो इन्वेस्टर हैं ना, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, फ़ोन करते हैं, गजब हो गया राजू भैया, हमारा पैसा तो गिरते जा रहा है। अरे कितना गिर गया, 1,00,000 पे 3,000 रुपया गिर गया, 5,000 रुपया गिर गया, इसको बोलेंगे गिर गया। तो जो लोग इतने गिरावट को नहीं झेल सकते हैं उनको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने ही नहीं चाहिए, या फिर से समझिए बूझिए और कंटिन्यू कीजिए, या फिर मार्केट अभी गिरा हुआ आपको दिख रहा है, आपके पोर्टफोलियो में पैसा कम दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है। कितना पैसा डालना है, जितना है उतना ही डालना है, लेकिन रिडीम नहीं करना है, स्विच नहीं करना है, भागना नहीं है, यहीं पे बने रहना है। आपने सोचा था 10 साल 15 साल 12 साल, तो इतना कंटिन्यू करना है। अब इस पे मैं एक कहानी बताता हूँ कि आज का जो मार्केट का हाल चल रहा है इस पे कोरिलेट करके एक कहानी है कि जर्मनी से एक खूब अमीर व्यक्ति, उनको लगा अब सब कुछ पा लिया है, जितना धरती पे जितना चीज़ पाना था पा लिया, अब शांति की खोज में चलते हैं। उन्होंने एक देश चुना जापान कि वहाँ जाके शांति की प्राप्ति करते हैं, उसका खोज में निकले। तो गए तो देखे एकदम बीचों बीच मार्केट में, सघन भरा भरा मार्केट है, वहाँ पे उन ऋषि मुनि का जहाँ जिनके पास जाना था वहाँ पे उनका कुटिया है, वहाँ काफ़ी सारे कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, कौवा कौं कौं कर रहा है, जाके मिले, प्रणाम किए, बोलते ये कहाँ कौन सा जगह है, हमने तो सोचा था कोई पहाड़ होगा, नदी होगा, समुद्र के किनारे होगा आपका कुटिया, ये कहाँ इतना कुत्ते भौंक रहे हैं। बोले ये कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, इनको बुलाया गया है, इनको रोज रोटी दूध देते हैं, और ये कौवे इतने कौं कौं कर रहे हैं, इनको भी रोज चावल का दाना दिया जाता है, इनको रखा गया है यहाँ पे, पाल पोस के रखा गया है। बोले यहाँ कैसे शांति प्राप्त करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो वो संत मुनि कहते हैं यदि यहाँ पे अगर शांति प्राप्त कर लिया ना, तो कोई भी जगह धरती पर होगा ना वहाँ आप अशांत नहीं हो पाएंगे, यहाँ अगर पा लिया तो कहीं भी अशांत नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह इस मार्केट के गिरावट में जो झेल लिया ना, इसको जो पार कर गया ना, उसको वेल्थ क्रिएशन करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है,
तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।